बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जांच से जुड़े ड्रग मामले पर एनसीबी 20 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। एनसीबी ने शनिवार को जांच के सिलसिले में एक्टर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ की थी। इस बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। रिया, आपको बता दें कि सारा अली खान के पिता सैफ अली खान अपनी बेटी को इस मामले से बचाने से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। खबरों की माने तो सैफ अली खान ने बेटी सारा की मदद करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। बता दें कि सैफ अली खान अपनी बेटी से पूरी तरह से नाराज है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्रग कनेक्शन का खुलासा होने पर सैफ अली खान काफी नाराज है और अपनी बेटी का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, इस मामले पर सैफ अली खान ने अपनी एक्स वाइफ और सारा की मां अमृता सिंह को भी खरी खोटी सुनाई। इसके बाद सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर खान, बेटे तैमूर के साथ दिल्ली रवाना हो गए। करीना कपूर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में बिजी है। जब तक करीना कपूर खान यहां अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगे तब तक वो साथ रहेंगे। खबरों की माने तो सारा अली खान की इस मुश्किल घड़ी में उनकी दादी शर्मिला टैगोर से मदद उन्हें मिल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सैफ अली खान को लेकर एक और खबर वायरल हो रही है, जहां पर सारा और उसके पिता सैफ क्या रिश्ता टूटता हुआ नजर आया। तो वहीं अब बताया जा रहा है कि सैफ अली खान ने जोरदार थप्पड़ जड़ा है अपनी बेटी सारा अली खान को, जहां पर कहा जा रहा है कि सैफ अली खान ने इसी गुस्से में अपनी बेटी सारा को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। सैफ अली खान अपनी बेटी से नाराज तो है और इसीलिए वो अपनी बेटी से दूर भी हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को थप्पड़ नहीं जड़ा। लेकिन ये थप्पड़ के बराबर ही है कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन में अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया और उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।